करते हैं हम 1 ईयर के कंप्यूटर्स के कोर्स के बारे में, क्योंकि होता ये है कि स्टूडेंट जाने से पहले ही सोचते हैं कि कंप्यूटर लाइनिंग में जाएं तो हम कौन सा कोर्स करें। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो उसमें बेसिक नॉलेज सभी आ जाती है पूरी, और कंप्यूटर बहुत अच्छे से कंप्यूटर की नॉलेज हो जाती है। तो हम देखेंगे 1 ईयर के कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और फिर उनकी जानकारी हमें मिलेगी। सबसे पहला कोर्स होता है ADCA कोर्स, जो 1 ईयर का होता है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर जो कोर्सेज सिखाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले फंडामेंटल है, नोटपैड है, पेंट, वर्डपैड, मूवी मेकर, टाइपिंग, और दूसरा होता है कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सिस, और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एमएस डोज, इंटरनेट। ये सभी कोर्सेज 1 ईयर के कोर्स में आ जाते हैं और हमें बेसिक नॉलेज पूरी मिल जाती है, जिससे कि अगर इन सबका ज्ञान आपको मिल जाए तो आप एक अच्छी जॉब भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। अब इसमें हम जितनी हमारी ये इंडेक्स है 1 ईयर के कोर्स की, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 सब्जेक्ट। जैसे हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट हुआ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल की नॉलेज लेंगे, और फिर नोटपैड की, इन सभी के बारे में हमने एक अच्छी सभी अच्छे से वीडियोस बनाई हैं, जिसमें देख के आप पूरा 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम फंडामेंटल के नॉलेज में। ये हमारा 1 ईयर का कोर्स है और आप यहाँ से देख के सारी डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं, ADCA की फुल फॉर्म क्या है और ADCA का मतलब क्या है कोर्स का, और उसमें क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम फंडामेंटल चैप्टर पे। होता है किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर्स का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब होता है कंप्यूटर किन किन पार्ट्स से जुड़कर बना है, और जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है, और कंप्यूटर कब बना था, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में ही आ जाती हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने दिखाया है कि कंप्यूटर के पार्ट्स। अब जैसे मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर्स का ही एक ज़रूरी पार्ट्स है। पावर सप्लाई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको शॉर्ट में CPU भी कहा जाता है। सभी लोग CPU को जानते हैं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा RAM, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सिस मेमोरी, और एक हार्ड डिस्क ड्राइव जो मेन पार्ट्स होता है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके भी रखते हैं। इसकी फिलहाल डिटेल जो होगी हम वो नेक्स्ट चैप्टर में लिखाएंगे सारी चीज़ें। अभी इनके सबके पार्ट्स के नाम है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, वीडियो कार्ड है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो अब ज़्यादातर लैपटॉप में SSD कार्ड के नाम से जानी जाती है, और SSD कार्ड से हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से रन करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, DVD ड्राइव, कार्ड रीडर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डेस्कटॉप इमेज स्कैनर, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, हेडफोन्स, USB, फ्लैश ड्राइव। ये कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स हैं जिनसे आप एक टोटल वर्क कर सकते हो। जैसे अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई इमेज कंप्यूटर के अंदर लेके जानी है तो आपको एक स्कैनर की ज़रूरत पड़ सकती है। जॉयस्टिक होता है, जिससे कि हम कंप्यूटर पे टच करके भी हम कुछ भी नोट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं जिनकी आपको नॉलेज चाहिए एक तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कंप्यूटर्स है, तो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में समझाया है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें इनकी डिटेल होगी, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी आप अच्छे से समझेंगे, तो आप बेसिकली नॉलेज फंडामेंटल जान सकेंगे कंप्यूटर का। ठीक है,